कोलकाता लाठी चार्ज से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है छात्रों पर। लाठी चार्ज मामले में नोटिस भेजा गया है तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप देखिए, पुलिस कमिश्नर से एनएचआरसी ने जवाब मांगा है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स पर कोलकाता लाठी चार्ज से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, इस पूरे मामले में नोटिस भेजा गया है तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए सियासत भी जमकर हो रही है और आप ये कह सकते हैं कि जो लाठी चार्ज किया गया छात्रों पर, अब उसी पूरे मामले पर ये नोटिस भेजा गया है और एनएचआरसी ने 2 हफ्ते के अंदर जवाब पुलिस कमिश्नर से मांगा है, उनको नोटिस भेजा गया है। डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में वहां पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, पानी की बौछार की जाती है, लाठी चार्ज उन पर किया जाता है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है। और इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके से ये भी खुद राज्यपाल आनंद बोस ने कहा था कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई है, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। इतना ही नहीं, गवर्नर ने पुलिस कमिश्नर को भी तुरंत हटाए जाने की मांग की थी और अब एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में पुलिस कमिश्नर से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि 2 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए और ये बताइए कि आपने छात्रों पर लाठी चार्ज कैसे की। आप देखिए, ये वो छात्र हैं, ये वो लोग हैं जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और अगर कोई इंसाफ की गुहार ही नहीं लगाएगा, सड़कों पर इस तरीके से वो नहीं आएंगे तो फिर वो कहां जाएंगे। ममता बनर्जी पहले जब किसान प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त सीधा सीधा केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी कि किसानों की बात नहीं सुनी जाती, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर लाठी चार्ज जाती है। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि फिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। यहां पर तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ उनके वर्क प्लेस में हॉस्पिटल में रेप किया जाता है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और जब इंसाफ की मांग को लेकर बाकी डॉक्टर सड़कों पर उतरते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से बर्बरता की जाती है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये सवाल खुद अब बीजेपी के तमाम लीडर्स, कांग्रेस के कार्यकर्ता और बाकी दलों के नेता पूछ रहे हैं। लाठीचार्ज की गई छात्रों पर और इसी मामले को लेकर अब एनएचआरसी ने 2 हफ्ते के अंदर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है, नोटिस भेजा गया है पुलिस कमिश्नर को कि बताइए ये लाठीचार्ज आपने क्यों किया। आप देखिए, ममता बनर्जी के जो स्टेटमेंट सामने आया था उसको लेकर भी सवाल उन पर खड़े हुए थे। ममता बनर्जी ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाए, मैं हमेशा इस प्रोटेस्ट में उनके साथ थी, मैं सड़क पर उतरी, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार एक्शन ले सकती है, उनके पास इस बात का अधिकार है, लेकिन मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और अब इस पूरे मामले पे एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक तरफ प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया उसको लेकर एनएचआरसी ने जवाब मांगा है पुलिस कमिश्नर से, दूसरी तरफ आप देखिए जो गवर्नर हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं, वो कल ही पहुंच चुके हैं, पिछले हफ्ते भी वो दिल्ली गए थे और अब वो आज एक बार फिर से गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, वो पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसकी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपेंगे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते के अंदर एनएचआरसी ने जवाब मांगा है छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जो छात्र हैं, तमाम जो लोग हैं, ना सिर्फ छात्र, आप देखिए आम लोग, महिलाएं, बच्चे, बड़े, पुरुष, हर कोई इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहा है, वो सड़कों पर उतर आए हैं और उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। आप देखिए जिस दिन प्रोटेस्ट डॉक्टर्स कर रहे थे उस वक्त भी आपको याद होगा हॉस्पिटल के अंदर कुछ उपद्रवी घुस आए थे, तोड़फोड़ उनके साथ वहां पर की गई थी, मारपीट की गई थी, जिसको लेकर भी ये सवाल हुए थे कि ये उपद्रवी अचानक से कहां से आ गए। और अब इस पूरे मामले में एनएचआरसी की तरफ से 2 हफ्ते के अंदर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा गया है।